अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं मंजूर हुसैन ऑफिशियल चैनल। बिजली, पानी, गैस तीनों सहूलतों के साथ घर आपकी खिदमत में हाजिर। पुराना है लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड, जैसा कि कहा जाता है। हर सहूलत मौजूद, ये पानी का बोर भी है, बिजली का मीटर भी है और गैस का मीटर भी है। 20 फुट गली है, पक्की गली है और बिल्कुल सामने ये आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक मिनट के वॉक पे मेन गौस आज़म रोड है जी, ठीक है जी। और यहाँ से भी गली देख दें, बिल्कुल पुख्ता गली है। तो चलते हैं अंदर और आपको विज़िट कराता हूँ इंशाल्लाह। ये कारपोच है जी, बड़ी गाड़ी आसानी के साथ खड़ी हो सकती है। जैसा मैंने अर्ज किया, पुराना घर है तो आपके सामने, नए घरों में आपको भी पता है कि आजकल गैस नहीं लगती, गैस की पाबंदी है गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल। तो ये गनीमत है कि आपके लिए गैस वाला घर हाज़र है, यानी ऐसा घर जिसमें बिजली, पानी, गैस, DSL, इंटरनेट, हर सहूलत मैसर, ठीक है जी। ये फिर पानी का टैंकर है और बहुत बड़ा टैंकर है, इसमें समझ लें कि जो ट्रैक्टर के पीछे पूरा बुलडोजर होता है वो इसमें आ जाता है। ये वो मोटर है जो पानी ऊपर ले कर जाती है, और ये फिर वाश बेसन लगा हुआ है, और साथ ही ये छोटा सा वॉशरूम है ये आपके सामने, ठीक है जी। यहाँ जो है ये मार्बल लगा हुआ है, और उसके बाद हम आ गए हैं टीवी लाउंज में, सॉरी ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम प्लस टीवी लाउंज। तो ये आपके सामने नीचे फर्श है और प्लस्तर वाला, ठीक है जी। अगर मार्बल वगैरह लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं जी, वो हर बंदा जाहिर है पुराने घरों में कुछ ना कुछ, पुराना क्या नया भी नहीं तो कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर्दा लगा के ये जगह इन्होंने दी हुई है, ड्राइंग रूम को सेपरेट किया जा सकता है। उसके बाद इस तरफ वेंटिलेशन है, ठीक है जी। वेंटिलेशन के लिए विंडो है जो गली में खुलती है, पंखा लगा हुआ है तो जाहिर है पंखे साथ ही जाएंगे। अब मैं आता हूँ उस तरफ से और मेन एंट्रेंस आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों, गली से काफ़ी घर ऊंचा है, और फिर आगे घर से जो कमरे हैं वो भी आप देखें कि एक एक स्टेप ऊंचे हैं, ठीक है जी। गली से काफ़ी ऊंचा घर। अब हम आ गए हैं इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ। बड़ा ज़बरदस्त दरवाज़ा, बड़ा मज़बूत मेन एंट्रेंस। ये हम अंदर आ गए हैं और ये दरवाज़ा हमने कर दिया दोस्तों बंद। तो ये सामने जो है ये मीडिया वाल है, ये टीवी लाउंज की। और दोस्तों, अगर आप मीडिया वाल तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। पंखा लगा हुआ ये आपके सामने है। अब मैं उस तरफ से आपको दिखाता हूँ। पुराना घर है तो पुराने स्टाइल से बंद किचन वाला स्टाइल, बाज़ लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत ओपन किचन के, ठीक है जी। तो ये सामने किचन है जी, ये ठीक है जी। लकड़ी का काम ऐसे नहीं हुआ हुआ जाहिर है, वो आप खुद करवाएंगे। ऊपर देख लें, ये फिर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, और ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए, तो कार पोर्च में खुलती है। उसके बाद दोस्तों, अच्छा है पक्का के लिए ऑन कर रखा है। उसके बाद हम इस कमरे में आ गए हैं, बेडरूम में। 5 मरले का घर है, 2 बेडरूम है, लेकिन ऊपर भी एक बहुत बड़ा कमरा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपने जाना कहीं नहीं। इसमें भी नीचे वो प्लस्तर वाला फर्श है, सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो है, और ये बाकायदा खुलती है। ये नहीं समझ लेना कि ये खुलती नहीं है, ये देख लें, ये खुलती है ऐसे, ठीक है जी। और उसके बाद ये यहाँ आप लकड़ी के वो बक्स वगैरह बना सकते हैं, ये जगह इन्होंने बनाई हुई है प्रॉपर, ये तो आगे फिर आप बना सकते हैं लकड़ी के पल्ले शल्ले लगा के। बाकी ये बेड आपके सामने ही है, बेडरूम। दूसरा बेडरूम दिखाता हूँ आपको। दूसरा बेडरूम जो है, इसमें मुझे लाइट ऑन कर लेने में, मेरे ख्याल है इसका बल्ब फ्यूज है। तो ये एक दूसरा बेडरूम है, ठीक है जी। और ये भी उसी जितना है, माजन चाहूँगा यहाँ थोड़ा अंधेरा है। ये फिर लॉन्ड्री का एरिया है, वेंटिलेशन भी यहीं से मिलती है इसको, ऊपर कवर है प्रॉपर। और ये उसी तरह अलमारियाँ से बनी हुई हैं इसमें भी, इस बेडरूम में भी। और ये फिर इसका वाशरूम है, ठीक है जी। ये दूसरी सीट लगी इंग्लिश सीट, तो इसमें आप कह लीजिए कि 2 वाशरूम हैं, और जो ना बल्कि नहीं जी, 1 वाशरूम है और 2 बेडरूम, 1 किचन
एक ड्राइंग रूम, एक टीवी लाउंज, एक कारपोच, हाँ दो वाशरूम, एक सीढ़ियों के नीचे। अब मैं ऊपर से आपको ऊपर वाला कमरा दिखाता हूँ। छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, बड़ी आसानी से बंदा चढ़ सकता है। ये है जी बड़ा सारा कमरा। ये मैं अगर दरवाज़ा खोलूं तो यकीनन इसमें रोशनी आ जाएगी। काफ़ी बड़ी माउंटी है ये आपके सामने, बड़ा सारा स्टोर आप कह लीजिए, पूरे के पूरे बेडरूम जितना एक स्टोर है इसमें। और उसके बाद फिर ये जो है, ये छत है ये वाली, ठीक है जी। 5 मरले है, बिजली, गैस, पानी, तीनों सहूलतें मौजूद। और डिमांड पता है दोस्तों इसकी कितनी है? बिल्कुल ही मुनासिब डिमांड। मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ, क्योंकि हो सकता मैं भूल गया हुआ, तब बेहतर ये होता है कि एक बार फिर ऑनर से पूछ ली जाए। नाराज़ ना हुआ करें, कभी कभार वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इन चक्करों में। तो मलिक साहब इसकी डिमांड कितनी है भाई? कितनी डिमांड है? 80। तो डिमांड दोस्तों है इसकी 80 लाख। बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट, सारी सहूलतें मौजूद। 80 लाख डिमांड, 5 मरले का घर, मेन गौस आजम रोड से सिर्फ 1 मिनट के वॉक पे और पक्की गलियां। दोस्तों इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत मेहरबानी।